1934 रे मैं नवरंगपुर बोर्ड मिडिल स्कूल पाठ अष्टम पढ़ु इटे अष्टम पर्यटन नवरंगपुर आधिक पाठ इटे नहीं आम मैंने समस्ते जयपुर गले मेट्रिकुलेशन अच्छी इटे जयपुर जी बहुत कष्ट होता सगड़े जाऊ सगड़े आसलु डाली चावल लेकिन गोटे घरे रंधा कर मेस कर रांधिक खाऊ आमर गुरु थे सदाशिव त्रिपाठी जे कि ओडिशा चीफ मिनिस्टर होते से हूँ आम मास्टर थे पापर कांग्रेस जॉइन होगापी से खदड़ पिंधा ये पिंधा आ गांधी कथा सब आम मान को से कहते बाणी सत्याग्रह बाणी सत्याग्रह कौन टंका पैसा मनुष्य युद्ध को देवार महापाप ये कहवा सागे सागे जेल नहीं जाए आठ का छस का बर्षे एम टी जेल से बाणी सत्याग्रह शहे लोक कोरापुट जिलूर जापर बयालीस आंदोलन डू एंड कारण आमर किट इंडिया मुमेंट से किट इंडिया मुमेंट रे आम सब आरंभ कलु किट इंडिया मुमेंट रे आम सब बिजली भांगलु आ जंगल काटलु आ एमपी नाना रकम ये कलु से बिजली भंगा केस रे मत दि वर्ष आउ गोटे मिले छस एम दि वर्ष छस मत प्रथम जय देला किट इंडिया मुमेंट हजार लोक कोरापुट जिलूर जेल जा लखन नायक फासी हला आजीवन कारादंड छपन लोक होता से छपन लोक भितर मुझे आ मैंने कटक कोरापुट जेल कोरापुट जेल कटक जेल थी तापर स्वाधीन है 15 अगस्त बार पर्यंत मु कटक जेल थी स्वाधीन है स्वाधीन है रचनात्मक काम लगे समस्त किए एम एल ए किए मंत्री हेले किए ये सब हेले किंतु आने के जड़ ग्राम स्वराज नहीं आम मैंने समस्त गाँ गाँ बढ़ल के क्षमता को गले लड़ी लड़ी रे आसला बेले कौन भाभी थिले कौन स्वप्न देखी थिले देश केमती हबो बोली करी कोटा लड़ी रे आसला बेले स्कूल बेले स्कूल बेले हां स्कूल बेले कौन स्वप्न देखी थिले देश केमती हबो बोली करी भाभी थिले स्वाधीनता हेले मनुष्य मात्र के 5टा मौलिक अधिकार खाइबा पिंधिबा घर खंडा रहिबा औषध शिक्षा ए 5टा फंडामेंटल राइट ये कथा ये स्वप्न देखी खाइबा पिंधिबा घर खंड रहा औषध शिक्षा से हमें जन्मगत अधिकार मनुष्य
ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ସେ ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତାପରେ କୋରାପୁଟରେ ଗୋତି ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଭୁଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? ପ୍ରଥମରେ ଏଠି ରାଜା ମହାରାଜା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଧାନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏସବୁ ଅସୁଲ କରୁଥିଲେ, ଜୁଲୁମ କରୁଥିଲେ, ଜୁଲୁମରେ ନେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେବ, ତା ଘରେ ଖାଇବ ପିଇବ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେବ। ସେଇଟା ଗୋତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁକ୍ତି ହେଲା? ବେଶୀ ଗୋତି କାମ ବେଶୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ନାରାୟଣପାଟଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ହେଇଥିଲା କି? ଗୋତି ଆନ୍ଦୋଳନ ନାରାୟଣ ପାଟଣାରେ ଥିଲା, ଜୟପୁରରେ ବି ଥିଲା, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବି ଥିଲା, ଆମର ଏଇ ଘରେ ଏକା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋତି ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେତେବେଳେ ଆମର ନନା ଆହୁରି ଆମର ଭାଇ ଆମର ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋପୀ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ସେ ସାରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠି ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠି ଗୋପୀ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ବାବରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିଲା, ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ବାବରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଠି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେଇ ଜାଗା ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିରବ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ, ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ବି ଅନୁମତି ବି ନିଆ ହୋଇଥିଲା। ତ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ମହମ୍ମଦ ବାଜି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକୁ ବାଜି ଭାଇ ବୋଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକ ନିଧିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସହିତ ସର୍ବୋଦୟ ରିଲିଫ୍ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଥାଏ, ଆମେ ସବୁ ନିରବରେ ବସିଥାଉ। ତ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ବସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଦଳେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ବି ସେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଅନୁମତି ବି ନିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେଠୁ ଦଳେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆସିକରି ତେଲ ଲଗାଓ ଡାବରକା, ନାମ ମିଟାଓ ବାବରକା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ଦେଇକରି ହଠାତ୍ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1990 ମେ ଭାଜପା ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡୱାନୀ ନେ रथ जैसे सजी एक एयर कंडीशन टोयोटा गाड़ी में रथ यात्रा शुरू की। सरकार को और सब लोगों को इतना बताता हूँ कि अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ସୁନାବେଳେ
स्वयं ऊंची जाति के हिंदू होने के नाते कई प्रशासकीय अधिकारियों की विश्व हिंदू परिषद के प्रति हमदर्दी छिपी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष एससी दीक्षित, जो पहले पुलिस में आईजी थे, अब पुलिस द्वारा दिए गए माइक पर कार सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। भाषण खत्म होते ही अचानक पुलिस पीछे हट जाती है। कुछ ही क्षणों में कार सेवक एक बस हथियाकर घेरा तोड़ते हुए मस्जिद की ओर उमड़ पड़ते हैं। ये जो माड़ा हला, ये माड़ा भितरे सुशीला नायरंकर चरखा भांगिला, तांको हात भी जखम हला, मनमोहन चौधरी हात भी जखम होता, आम भी पहार दीपहार भी खाई पिठी भी खाई, किंतु बाजी भाई मुंडे शक्त आघात हला, जो थे बाजी भाई मुंड फाटी जाता। क्षेत्र एत लंबा थी और गभीर थिला बाजी भाई, जो कि मुंड को केत गुड़ा स्टिच कराक पड़ा, बोध सात आठटा खंडे स्टिच पड़ो मुंडे, आउ भी सेमती पांच छः जन भी रक्ताक्त भी सेठी होते, से गंडगोल कर पलैले। पुलिस से संपूर्ण भाव में केवल नीरव द्रष्टा नाला, एक प्रकार पुलिस प्रोटेक्शन रे से उत्तर प्रदेश पुलिस रो संपूर्ण निरापत्ता बलय भितर रहकर से कांड कारखाना हिंसाकांड कर पलैले। ये जो बर्बरजित आक्रमण तार मुटे मुझे तार मुटे साक्षी बिली से भरे आम जानलु से बजरंग दल रोक मैंने से आक्रमण करते आते जे प्रमिनेंट लोक थे पचर आम जानलु ना हूँ सेठाकार लोक स्थानीय लोक जो मैंने सर्वदेश जनित से कहले विनय कटियार नेतृत्व से आंदोलन ये आक्रमणटा होता। विनय कटियार परवर्त समय पार्लियामेंट मेम्बर भी होते। बाजी भाई पाखे तो केवे किसी सांप्रदायिक तर लक्षण ही नाला, से कुरान को जमी भल पाती सबुदिन बाजी भाई हूँ बोध एकमात्र लोक जी कुरान भी पढ़ती आ सबुदिन गीता ही पढ़ती। गीता उपर बाजी भाई तो ढेर दखल था पूर्व आम समय अच्छे से आसती जोर जुलूम हो जोर जुलूम को ये लोक कह पुलिस जुलूम गार्ड जुलूम बण बण भाई जंगल पाई तार जुलूम आज एमती अनेक जुलूम मन थी से जुलूम मन कमाई धैर्य देवाप धैर्य दे भूदान आंदोलन भूदान गति भक्ति आंदोलन है जो बड़े भूदान आंदोलन आरंभ है हमारे ये नवरंगपुर जिले में प्राय 500 एकर जमी
गरीब लोग को दिया है ताको पट्टा कर दिया गला ताको ये कर दिया गला 500 एकड़ जमीन ये मोर ये नवरंगपुर सब दे दिया आज ये बड़ी सारा कोरापुट जिला रे सब जगह रे ही थीला नवकृष्ण चौधरी चीफ मिनिस्टर थे ये मान सब भूदान एक्ट तैयार होगा आ भूदान जा जमी दिगला ताको हल बलद दिन पड़े लक्ष लक्ष टा मुई 11 लक्ष टा बांटी एगार लक्ष टा मैं बांटी आप रतन दास आ निशाकर दास को जानते आरे गुरु तर निशाकर दास रतन दास वर्तमान जो शासन चली विषय किसी कहे बर्तमान देश में अनेक कथा हो पारा गांधीजी कहे आई टू दि लास्ट सब गरीब लोक सी भी जानवे जे मु स्वाधीन देश लोक स्वराज देश लोक मु अनुभव कही पारु नहीं गोटे विप्लव रहले गोटे चेंज आसवे दुनिया रे गोटे विप्लव हेले आका गोटे चेंज आसव कि आंदोलन फांदोलन युवक लोक ये माने भारी कर जगह जगह होगा पूरा हो नहीं हमें भावु मु भी भावुची आ विप्लव नहले गोटे चेंज आसीगनी।